हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास इलेवेंथ का 2021-22 में जो बोर्ड की साइड से, हरियाणा बोर्ड की साइड से आपका सिलेबस डिलीट हुआ है 30% के लिए बोला गया था। जो पोर्शन आपका डिलीट हुआ है मैथ सिलेबस में, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो आप अपने साथ बुक को ले लें, और बुक अभी अभी नहीं है अभी आपके पास, तो आप पेपर पेन लें और साथ में नोट करते हुए चलें कि फाइनल एग्ज़ाम में आपको कौन से टॉपिक तैयार नहीं करने हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सेट के अंदर आपको यहाँ पर बोला गया है, सेट में आपका यहाँ टॉपिक है। देखिए, आपको बोला गया है 1.10.3 में डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको नहीं करने हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 9, 10, 11, ये हमारा डिलीट हुआ है। 9, 10, 11 क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है, और इसी में आपको बोला गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये जो है, ये हमारी एक्सरसाइज है 1.5, ये आपकी कंप्लीट डिलीट हुई है। एक्सरसाइज 1.5 आपको नहीं करनी है, और इसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम्पल है, जो आपको नहीं करने हैं, वो एग्जाम्पल हैं आपके 15, वो एग्जाम्पल्स आपके हैं यहाँ पर 20, 21, 22, ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं करने हैं। क्लियर, ये भी डिलीट हो गए हैं हमारे। तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो आपका जो पोर्शन यहाँ पे दिया गया है 1.11 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट, क्लियर। नेक्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपका जो टॉपिक बोला गया है 2.4, फंक्शंस, ये आपका डिलीट हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी कैंसिल हुई है फंक्शन की, वो है एक्सरसाइज 2.3, ये आपकी कंप्लीट डिलीट हो गई है। और आपके जो एग्जांपल है फंक्शन पर बेस, वो है आपके 16 एंड 17, ये भी आपके डिलीट हो गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें आपको बोला गया है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है वो आपकी डिलीट हो गई हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है वो किस टाइप की मिलेंगी आपको यहाँ पे, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई एंड टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, ये इक्वेशंस हमारी इस टाइप की कैंसिल हो गई हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज यहाँ बनती है 3.4, ये आपकी डिलीट हो गई है। और आपके जो एग्जाम्पल है इसमें 18 to 24, ये भी आपको नहीं करने हैं। देखिए, आपको साथ में एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप 3.5 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इसको हाईलाइट कर लेंगे बुक में। नेक्स्ट है आपके पास
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फोर्थ जो चैप्टर है ये कंप्लीट आपका कैंसिल हो गया है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर में आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है, तो आप इसको लिखेंगे चैप्टर फोर्थ डिलीट। देखिए मैंने यहाँ चैप्टर लिखा है, ठीक है ना, तो पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट हो गया है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अंदर आपको बोला गया है जो आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एक्सरसाइज यहाँ बनती है वो बनती है आपकी 5.2, और क्वेश्चंस जो है इसमें देखिए कंप्लीट डिलीट नहीं हुई है 5.2, इसमें कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं जो कि है 3, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, 1 और 2 आपको क्वेश्चन करने होंगे। और जो एग्जाम्पल है इसके अकॉर्डिंग वो होगा हमारा 7, 8, 16। क्लियर, तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं हाईलाइट, जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटी। देखिए लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको कंप्लीट तैयार करना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है 7th परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी कुछ खास आपका कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ आपको बोला गया है कि जो 7.3.3 आपका डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, सिर्फ आपको वो पोर्शन नहीं करना, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके वो आपको सभी करने हैं। तो इट मींस जो एक्सरसाइज है आपकी वो कोई भी डिलीट नहीं हुई है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इन फॉर्मूले पे बेस, तो आप इसका डेरिवेशन नहीं करना है आपको इसका। नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर 8 है आपका, वो आपका कंप्लीट डिलीट हो गया है, फुल चैप्टर जो है वो डिलीट है। तो आप यहाँ इसको हाईलाइट कर लेंगे, चैप्टर 8 आपको नहीं करना है फाइनल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए इसमें आपको बोला गया है 9.7 सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। जो स्पेशल सीरीज आपको उस चैप्टर में दी गई है उसमें आपको बोला गया है जो स्पेशल सीरीज है वो है समेशन एन, समेशन एन स्क्वेयर एंड समेशन ऑफ एन क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एक्सरसाइज बनती है वो है 9.4, ये आपकी डिलीट हो गई है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन। तो देखिए स्ट्रेट लाइन में जो आपको बोला गया है, एक तो आपको कहा गया है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, ये देखिए एग्जाम्पल की बात की गई है तो आपको एग्जाम्पल नहीं करने हैं, और साथ में बोला गया है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज है, यहाँ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हमारी कैंसिल हुई है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो है आपको जो आपकी बुक में पीछे आंसर्स हैं उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज गिवन हैं वो आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हैं, तो उनमें आपकी एक्सरसाइज
10.4 एंड 10.5 आपकी डिलीट हो गई है। नेक्स्ट है कॉनिक सेक्शन, जिसमें आपको बोला गया है कि हाइपरबोला टॉपिक जो है आपका हटा दिया गया है। तो हाइपरबोला जो है ये हमारी एक्सरसाइज थी, इसमें 11.4 ये आपकी डिलीट हो गई है। और जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल में आपके 14, 15 एंड 16 हाइपरबोला पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सभी डिलीट हो गए हैं। ये आपको दिया हुआ है 11.6। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। बहुत ही आसान चैप्टर है आपका ये, और इस चैप्टर में से कुछ भी पोर्शन हमारा डिलीट नहीं हुआ है। ये आपको कंप्लीट तैयार करना होगा पेपर के लिए। नेक्स्ट है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इस चैप्टर में भी आपका कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है चैप्टर 13 से। ये आपको कंप्लीट तैयार करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 14, ये आपका फुल डिलीट हो गया है। 14 चैप्टर में से आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। देखिए तो आप इस मैथमेटिकल रीजनिंग इसको आपको तैयार नहीं करना है, ये कंप्लीट डिलीट हुआ है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको बोला गया है 15.6 एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज यहाँ पे बनती है वो एक्सरसाइज है हमारी 15.3, ये आपकी कंप्लीट डिलीट हो गई है। एक्सरसाइज 15.3 ये डिलीट हो गई है, और साथ में जो एग्जांपल है वो है 14 एंड 15, ये भी आपका डिलीट हो गया है। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16, तो इसके अंदर आपको बोला गया है एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ये आपका कैंसिल हो गया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज बनती है 16.3, ये आपकी डिलीट हो गई है। क्लियर है, ये था आपका सिलेबस जो आपको बोर्ड की साइट पर भी मिलेगा, हरियाणा बोर्ड की साइट पे आप देख सकते हैं आपको जो सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस है जो आपको बताया गया है डिलीट हुआ है। तो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये तैयार नहीं करना है, और मेरा सजेशन यही है कि जब आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं तो उसको उसमें कुछ भी ना छोड़ें, कंप्लीट करें, क्योंकि अभी आपके वो फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन ट्वेल्थ में आपके वो बहुत काम आने वाला है। या आप कहीं पर भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एग्ज़ाम आगे आप जब देंगे तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो एक बार आप चैप्टर को कंप्लीट ज़रूर प्रैक्टिस करें, और जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मैंने आपको जो बताया है डिलीटेड सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग तैयार करें आप। अभी तक आपकी साइट बोर्ड की साइट पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये जो डिलीटेड पोर्शन है इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इन फ्यूचर अगर आपका कोई भी अपडेट आती है बोर्ड की साइट से तो आपको बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।